हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज मैं लेक्चर वीडियो नहीं डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा आज मन नहीं किया वीडियो बना दूं। मुझे लगा कि कुछ ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में हमें बात करनी चाहिए जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे साथ है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। सो मैंने एक स्टूडेंट की लाइफ स्टोरी को यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश की है, या यूं कह लीजिए कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ की स्टोरी को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। लगभग ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है। फाइनेंशियल मैटर का कारण है ये, जहां पे आप ये देखते हैं कि आपको नोट खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है, वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो घूम फिर करके आएगा आपके इसी पॉइंट पे, हमारे मिशन पे। आवर मिशन, फ्री वीडियोस लेक्चर, फ्री नोट्स एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग विच आर यूजफुल फॉर यू कैन बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये है हमारी कोशिश, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चुटकी बजा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इट इज नॉट पॉसिबल। हमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। हमने सबसे पहले प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करे, कोग्नोसी की वीडियो अपलोड किए, कोग्नोसी की वीडियो अपलोड किए, अब हम माइक्रो के कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके फार्मेसी के लगभग काफी सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास पूरा का पूरा डाटाबेस आ जाएगा। आपके लिए ही नहीं बल्कि आपसे ज्यादा आपके आने वाले जूनियर्स के लिए काम आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट की लाइफ की स्टोरी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। स्टोरी ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट होता है उनके 12th क्लास से, जहां पे वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपना कैरियर डिसाइड करना चाहते हैं कि अब वो क्या करना चाहेंगे। चाहे वो मैथ्स के बैकग्राउंड के बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो बायो के बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बच्चे हो, उनके पास कई सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन बचता है आपके फार्मेसी की फील्ड में एंटर करने का। और आप जानते हैं कि बेसिकली एंट्री लेवल पे फार्मेसी के दो कैटेगरी हैं। पहला होता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी और दूसरा होगा आपका डिग्री या बैचलर इन फार्मेसी। उसके बाद उनके स्कोप थोड़े से और वास्ट होते जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको डिग्री पे आना पड़ेगा उन दो पे पहुंचने के लिए। सो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या डिग्री इन फार्मेसी हो, जहां कहीं भी बात होती है एडमिशन की, वहां पे एक अच्छी खासी रकम फीस के रूप में दी जाती है। यहाँ पे कई चीजें एब्रिवेटेड फॉर्म में देखेंगे आप, जिनके ऊपर मैंने जी लिखा हुआ है, केवल जी, वो जेन्युइन फीस में से एक है। वो कम या ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आपको। जबकि जहां पर लिखा हुआ है मैंने नॉट जेन्युइन, नॉट एट ऑल जेन्युइन, वो किसी तरीके से जेन्युइन नहीं है, उनका सप्लीमेंट्री, उनका अल्टरनेटिव आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। सो अगर आप डिप्लोमा में लेते हैं पहले, तो डिप्लोमा ही अगर करके अपना कैरियर को स्टॉप करना चाहते हैं तो भी आपको एक रैंडम अमाउंट में 80,000 पर ईयर के हिसाब से देना पड़ेगा, बिकॉज डिप्लोमा इज ईयरली कोर्स। तो वहां पर 80,000 पर ईयर यानी कि दो साल में आपने 1.6 लाख रुपीज के आसपास इन्वेस्ट किया केवल एजुकेशन फीस के नाम पे, बाकी चीजों को इंक्लूड बिल्कुल नहीं करूंगा। अब अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद ये सोचा कि मुझे डिग्री करनी है, तो फिर ये आपका प्रोसेस आगे क्यों कर जाएगा। डिग्री के बाद ऑब्वियसली आपका मास्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से एडमिशन के रूप में बी फार्मा को अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाने का सोचा, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप आज जानते हैं कि हर जगह आपके फार्मेसी का ही बूम है, हर कोई फार्मेसी के बारे में ही बात करता है। जब हर जगह लॉकडाउन लगे हुए थे, किराना से लेकर के सब दुकान बंद थे, तो केवल एक दुकान ऐसी थी जो 24/7 आपकी सेवा में हाजिर था, वह है आपका अपना दुकान, दैट इज फार्मेसी मेडिकल स्टोर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप दूसरों की सेवा के साथ साथ अपनी भी सेवा कर सकते हैं, फाइनेंशियल इनकम को भी स्ट्रॉन्ग अप कर सकते हैं और कई चीजें इसके साथ खुलेंगी, हम उसके स्कोप के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। तो ये बी फार्मा का जो फीस होगा सेमेस्टर वाइज होंगे, वो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग जा सकता है। हमारे आसपास के सिनेरियो में 75,000 से लेकर के 80,000 ईयर में, अगर आप सेमेस्टर में बाइफर्केट करेंगे तो 40,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से, अल्टीमेटली ईयर में आपका 80,000 प्लस माइनस 10,000 आ सकता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा आपके परिवार के जेब से जाता है। सो एक साल में अगर 80,000, तो आप इसको 4 साल से गुणा करके देख सकते हैं कितना खर्चा आएगा इस पे। इसके बाद भी आपका करियर आगे खत्म नहीं होता है, अब आप जा सकते हैं मास्टर पे, क्योंकि आजकल बिना मास्टर के लाइफ में वो मजा नहीं रहा, या एक प्रकार से कह लीजिए एजुकेशन के फील्ड में वो इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आपको मास्टर्स पे जाना पड़ेगा। मास्टर की फीस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएबल है, कुछ डायरेक्ट कॉज होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉज होते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे, कॉलेज टू कॉलेज पे, बट लमसम उसकी जो फीस होगी वो 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से होगी, क्योंकि ये भी सेमेस्टर सिस्टम चलता है। और मैंने पर्सनली अपने एम फॉर्म में 75,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से इन्वेस्ट किया था अपने कैरियर के लिए। तो यहां पे मोटा मोटा रकम जो आपका होगा उसी के आसपास होगा। और उसके बाद अगर अपने नॉलेज को और ज्यादा एनरिच करना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ द मास्टर दैट मींस पीएचडी की ओर जा सकते हैं। और इसके ऊपर जो खर्चा है भैया वो तो इन्फिनिट है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपका एस्पेक्ट क्या है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ईच एंड एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन यू।
जब तक कि स्टाइफंड नहीं मिलता। इन सारे कंडीशन में गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्टाइफंड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, वो आप अलग से काट सकते हैं इनमें की फीस में से, वो एक अलग बात है। तो ये एक एक्स अमाउंट आपने खर्चा किया आपके कैरियर में, चाहे डिप्लोमा में सैचुरेट कर दिया हो, चाहे डिग्री में सैचुरेट कर दिया हो, चाहे एम फार्मा में सैचुरेट कर दिया हो, चाहे पीएचडी तक गए हो, अल्टीमेटली एक्स अमाउंट आपका खर्चा होता है। मजेदार बात क्या है, इन सब की पढ़ाई करने के पीछे, इन सब खर्चों के पीछे जो एक ऐसा कॉज है, एम है आपका, जो कि बोलने में शर्माने वाली बात नहीं, अल्टीमेट ट्रूथ तो वही है, वह है जॉब। लेकिन उसको जॉब नहीं कहूंगा मैं, उसको कहूंगा मैं नौकरी, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखी हुई है। यानी कि किसी के अंदर में रह करके किसी और के लिए काम करना, ताकि वो आपको उस काम के बदले एक लमसम अमाउंट में पैसे दे सके, यही तो है ना नौकरी। तो यहां पे उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, कैसे इस नौकरी से आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं फार्मेसी के फील्ड में, वो किसी अलग मैटर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात आपको चुभे इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हुए, एक स्टूडेंट की लाइफ में किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन होते हैं और कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो होते तो प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन लेकिन प्रॉब्लम के साथ में ही आता है, बस थोड़ा सा उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो कई सारे प्रॉब्लम में से मेन मेन प्रॉब्लम देखिए, योर प्रॉब्लम अदर्स बेनिफिट या अदर्स सॉल्यूशन, ये एक मेन फंडा है आज के डेट में। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं केवल आपकी कमजोरियों को उजागर करना चाह रहा हूं, और बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी वीक पॉइंट को पकड़ करके कोई कैसा ज्यादा अर्निंग कर रहा है। आपका प्रॉब्लम क्या है, कोई भी हो आपकी प्रॉब्लम, आगे देखेंगे, आप पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं हो, आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हो किसी भी रीजन से, या नहीं जा पा रहे हो, आपको कॉलेज की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आपके कॉलेज या किसी और पर्टिकुलर पार्ट से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप ऐसा स्टूडेंट हो जिनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पास होना जरूरी है क्योंकि डिग्री मिलनी है, तो ओवरनाइट स्टूडेंट जो आप कहलाओगे पढ़ने के लिए, तो वो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम है। So, आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आप कहीं से वीडियो अरेंज कर लीजिए, आप कहीं से नोट्स परचेस कर लीजिए, आप कहीं से पर्सनल ट्यूशन क्लासेस लगा लीजिए, या किसी जगह पे कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लिए, अल्टीमेटली ये आपके सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बेसिकली ये अपना सॉल्यूशन, अपना बेनिफिट आपकी प्रॉब्लम से उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके डाउट है तब तक डाउट क्लासेस हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तब तक कोचिंग क्लासेस हैं, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, अपने अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, बढ़िया अच्छे से पढ़ाते हैं आपके टीचर चाहे कोई भी कॉलेज हो, उनके लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, तो जो वीडियो पेड करने वाले हैं उनका फायदा है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। तो आप सोचते हो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है, गलत सोचते हैं आप, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप हो। आप जब तक ये अपने आप को स्ट्रांग नहीं करोगे तब तक उनका जो स्ट्रांगनेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ये बात पते की है, सोचने वाली बात है, सोचिएगा। अगला देखिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्यूशन है। हम भी आपके सॉल्यूशन में से एक हैं, हम ही इकलौते नहीं है, ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं, जो स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इवन हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस आपको सर्च करने की आवश्यकता है, केवल आपको ही सर्च करना है, हमें सर्च नहीं करना। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है, योर प्रॉब्लम योर प्लस आवर सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का समस्या का समाधान किसके पास है, आपके पास है, या यूं कहूं कि हमारे पास है, और इन हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक ही जगह है आपका, वह है आपका माइंड। आपने माइंड को कहां और कैसे यूज कर सकते हैं, वहां पे आपका सॉल्यूशन है। जो प्रॉब्लम आपके लिमिटेड एरिया तक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आपका है, वो आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी कोई सपोर्ट करके जरूर सॉल्व कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। दूसरा, हर एक सब्जेक्ट के अच्छे नोट्स बना लें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एनी हाउ अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो केवल आप इकलौते पूरे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना सकते। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कोई अपना अपना टॉपिक एरिया डिसाइड कर ले, एक एक सेमेस्टर डिसाइड कर ले, एक एक यूनिट डिसाइड कर ले, एक एक टॉपिक डिसाइड कर ले, या एक एक सेक्शन डिसाइड कर ले, वो आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स के ग्रुप पे डिपेंड करता है, वो वहां पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। लेकिन दिक्कत क्या है, या आपके कॉलेज में अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे में से केवल 30 बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत घूम फिर करके नोट्स बनाने में इंटरेस्ट रखते होंगे, पढ़ने की मैं बात नहीं कर रहा, नोट्स बनाने में इंक्लूड करते होंगे। उनमें से 30 में से कितने लोग आपके साथ दे करके आपका नोट्स बना करके आपको देंगे, और उस नोट्स में से कितने नोट्स वाकई में जेन्युइन नोट्स होंगे, सीधा सीधा बुक से कॉपी किया हुआ नहीं होगा या काम का होगा, हार्डली कर करके आएंगे आपके पास 5 या 7, उससे तो काम नहीं बनेगा। सो हम यहां पे आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ना आपसे कोई चार्ज लेंगे ना किसी का चार्ज देंगे, ये है आपका नोट्स मेकिंग, जिसके
बारे में अब आगे डिस्कस करूंगा। हम ऐसे नोट्स मंगाएंगे बच्चों से जिनके नोट्स के बदले उनको अगर नोट्स अच्छे हुए तो रिवॉर्ड भी मिलेंगे, जो नोट्स बना के देगा उनको बुक मिलेंगे, और उनके नोट्स जो हम बुक दे रहे हैं उनके नोट्स मिल रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको लिंक दे करके आप सबको प्रोवाइड करने हैं। एक 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 करके यूनिट होता जाएगा। अगर बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में 5 यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी के, एक एक यूनिट के क्वेश्चन पेपर हमने दे दिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको भी डाउनलोड हो जाएगा फ्री में, क्वेश्चन पेपर सबको मिल जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर का आंसर पेपर हमको दे देंगे, उस आंसर पेपर के अच्छे आंसर के 2 या 3 या 4 को हम बुक दे देंगे उनकी पसंद का, केडी त्रिपाठी या माइक्रोबायोलॉजी की, उनको उनका बुक मिल गया उनके काम के बदले, उनके अच्छे नोट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सर्कुलेट कर देंगे ताकि जिसको भी जरूरत पड़े केवल सिंगल क्लिक करिए, पीडीएफ पे क्लिक करिए, पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड। ये कितना आसान होगा, आपको कितने पैसे खर्चा करने पड़े, कुछ भी नहीं, 0 पैसे, नेट के चार्ज लग रहे होंगे वो तो ऐसे ही बफरिंग करते होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के पीछे लंबी कहानी चलेगी जिसको मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद हैं, प्लस हम सब मिलकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, एरिया ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमें छोटा छोटा रफ में इस प्रॉब्लम को एरिया वाइज क्लासिफाई कर दूं तो देखिएगा कौन सी प्रॉब्लम आपको जचती है, नजर आती। सारे प्रॉब्लम नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहां पर। पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जिसपे आपका कोई हाथ नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से इन्फेरिटी की ओर मूव कर रहा है, क्या आपका खुद का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना सही नहीं है कि आप अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूशन के नोट्स को भी या वीडियोस को भी या उनके डायरेक्ट इंटरेक्शन को भी ग्रास्प कर पाओ। सो 2 तरफा प्रॉब्लम की बात है, हमेशा इंस्टीट्यूट को दोष देना सही बात नहीं है, अपने अंदर हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहला है कॉलेज रिलेटेड, जिसके लिए आप नहीं दोष दे सकते, दैट इज नॉट जेन्युइन, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको खुद के लिए करना है, किसी कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना है। कॉलेजेस कई तरह के हो सकते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कह रहा, कुछ कॉलेज बहुत जी जान से मेहनत करते हैं और कुछ में कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती हैं। तो कॉलेज नहीं पढ़ाया इसलिए मैं नहीं पढ़ूं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सो दिस इज टोटली नॉट जेन्युइन। यहां पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि ये आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे में आइए, कहीं पे आप नोट्स सर्च कीजिए। आज तो इंटरनेट का जमाना है भाई, एक से एक नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट सर्च करिए, आप वीडियो सर्च करिए, उसके बारे में डिटेल घुसते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बुक्स पढ़िए, बुक के पीडीएफ डाउनलोड करिए। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके इस छोटे से मोबाइल में ही रखा हुआ है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट रिलेटेड, ये आपकी प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल, किसी भी एंगल से जेन्युइन नहीं है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे वो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कैसे, किस तरीके के स्टूडेंट हैं, वो किस तरीके के, यहाँ पे देखिए एक रफ में देखते हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट में बेसिकली पहला होता है ऑनेस्ट स्टूडेंट, दूसरा होता है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तीसरे होते हैं जस्ट स्टूडेंट, चौथे होते हैं ओवरनाइट स्टूडेंट, और पांचवें में इसके अलावा जो भी बच गए सबको उसमें डाल सकते हैं। इनके क्या मतलब है, पहले देखिए, ऑनेस्ट स्टूडेंट ऐसा स्टूडेंट होता है जो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता है अपनी ईमानदारी से, मैं उसको दिखा रहा हूं यार कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं टीचर को दिखा रहा हूं कि मैं खूब मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, ये ऑनेस्ट नहीं है। आप किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, आपका जवाब, आपका आंसर, आपका नॉलेज, आपके मार्क्स, हर एक चीज, मार्क्स तो नहीं कहना चाहिए, मार्क्स इज फेक, आपका नॉलेज आपको दिखा रहा है कि आप कितने में ऑनेस्ट हो। तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा हो चाहे मैं पढ़ा जा रहा हूं, अपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली तो ऑनेस्ट स्टूडेंट है। आपके पास प्रॉब्लम एक दूर दूर तक नहीं भटकेगी, कुछ जेन्युइन केस को छोड़ दें तो बाकी जगह प्रॉब्लम से आपको फेस करना कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले ही आपके पास उसका सॉल्यूशन रहेगा अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी पढ़ाई में। तो क्योंकि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के अच्छे से नोट्स पढ़े माइक्रोबायोलॉजी के तो वो आपको आगे जाकर फोर्थ सेमेस्टर में काम आएगा फार्माकोलॉजी में। अगर आपने फार्माकोलॉजी के बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम जानी ही नहीं जानी है। ये है आपकी ऑनेस्टी। दूसरा है हार्ड वर्किंग, ऐसे स्टूडेंट जो हार्ड वर्क करते हैं, जो ऑनेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन एकदम ऐसे ही लेजी भी नहीं है, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो हर एक चीज के पीछे लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं मैं आपको समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो पहले से स्टार्टिंग कर देंगे, क्वेश्चन पेपर हर जगह से जुगाड़ लेंगे। उनको नोट्स पसंद है तो वो मुझसे नोट्स लेंगे, आपसे नोट्स लेंगे, इससे लेंगे, उससे लेंगे, सबसे नोट्स लेंगे, दिन भर भागे रहेंगे, बुक्स खरीद लेंगे, बुक्स की फोटोकॉपी कर लेंगे, बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन पढ़ाई उसके लायक नहीं करा जितना उन्होंने हार्डवर्क किया। तो जो हार्डवर्क यहां वहां भागने में किया फिजिकली, उसको मेंटली अगर अप्लाई करते तो चलते। इनकी गलती नहीं है, बेचारे कोशिश अच्छा कर रहे हैं, नेक काम करना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, अरेंज कर लेता हूं, पढ़ नहीं पाया वो अलग बात है। तो ये भी एक दूसरी कैटेगरी में आ गई है। अगला है जस्ट स्टूडेंट, कि भैया कुछ कोई मतलब नहीं है, टॉप करके क्या मिलना है, टॉप करके भी वही पारिवारिक जिम्मेदारी आएगी, फेल होकर पास होगा बैक लगा के तो भी वही फारी पर जिम्मेदारी आएगी, मुझे इन सबसे मतलब नहीं है, केवल पास होना है, उस तरीके के स्टूडेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड जस्ट स्टूडेंट, नमस्कार है ऐसे स्टूडेंट्स को। उसके बाद अगला है आपका ओवरनाइट स्टूडेंट, ये तो और अलग इमर्जिंग कैटेगरी है, फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है, ये मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से देखता हुआ आ रहा हूं, उसका ग्राफ जो फटाफट बढ़ता जा रहा है।
आजकल जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं वो उन्होंने बूस्ट करने का काम किया इस तरीके के स्टूडेंट को, ओवरनाइट स्टूडेंट को, उनको पूरा फर्टिलाइज कर दिया, उनको इतना सारा प्रोवाइड कर दिया कि अब हमको ओवरनाइट में टॉपर बनना है। और कुछ हद तक मजाक नहीं है, कुछ हद तक ये ऑनलाइन के जो एग्जाम का पैटर्न है उन्होंने पूरा करप्ट करके रख दिया है। अनफॉर्चुनेटली किसी की इच्छा नहीं थी लेकिन स्टूडेंट करप्ट हो गए हैं। जिनको पता भी है नॉलेज वो भी आराम से अपने मन से लिख लिख के क्वेश्चन पेपर आंसर सबमिट नहीं कर रहे हैं, वो उतना नहीं लगाना चाहते, बट सब कुछ कहीं ना कहीं से अरेंज हो जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस चीजों को, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड और ऊपर बैठ करके सोचना बहुत अलग चीजें होती हैं। सो ओवरनाइट स्टूडेंट क्या होते हैं, जो एग्जाम से एक दिन पहले, दो दिन पहले, पीएल में पांच दिन पहले, मैक्सिमम पांच दिन बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, दो या तीन दिन से स्टार्ट करते हैं कि मेन मेन पॉइंट क्या है भाई। इससे जो टॉपर होते हैं क्लास में उनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट है बता दो, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या बता दो। टीचर से पूछ लेते हैं सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहीं से अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस पूरे रात भर उसी में घुस जाते हैं और फिर ये ओवरनाइट स्टूडेंट कहलाते हैं। इस तरह के स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है किसी परचेस करने की नोट्स की, किसी न किसी की मेंबरशिप लेने की, या कहीं ना कहीं से और स्टडी मटेरियल को परचेस करने की। पूरा केंद्र बिंदु परचेसिंग पे आ रहा है, ये ऑनेस्ट है, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉट और किंग ने परचेस किया ना, कलेक्ट किया क्वेश्चन पेपर, नोट्स पेपर सब कुछ कलेक्ट किया। जो जस्ट स्टूडेंट है वो तो पास होने के लिए कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है, पास होना जरूरी है क्योंकि उसके लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ना चाहते नहीं है तो नोट्स मिल जाए आखिरी मोमेंट में वो है। और अदर कैटेगरी में कई सारे स्टूडेंट को डाला जा सकता है जो स्टार्टिंग में अच्छे हैं, किसी किसी पर्सनल फैमिली इश्यू की वजह से डीमोटिवेट हो गए हैं, वहां चले गए हो, जो पहले दूसरे सेमेस्टर में बहुत टॉपर रहे हो, किसी सेमेस्टर में किसी पर्टिकुलर टफ टॉपिक की वजह से बैक लग गया हो, डिप्रेस में आ गया हो, पढ़ाई का इंटरेस्ट कम हो गया हो, अच्छा लिखा हुआ हो, कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई हो, ऐसा वो कहते हैं, मैं नहीं जानता चीज को, तो उसकी वजह से उनका बैक लग गया हो और उसकी वजह से फाइनली डिप्रेस हो गए हो, पर्सनल सोशल इकोनॉमिकल जो भी रीजन हो जिसकी वजह से अब उनका जो ग्राफ ऊपर की जगह फट से नीचे आ गया, वो ऐसे स्टूडेंट के अंदर रखे जाते हैं। इनको छोड़ करके, ऑनेस्ट को छोड़ करके सबके लिए एक रास्ता बचता है, परचेस नोट्स। परचेस नोट्स अब वो किसी भी क्वालिटी का हो, किसी भी तरीके का हो, परचेस तो करना ही पड़ेगा। देखिए और एक बड़ी प्रॉब्लम है, डिक्रीज फैकल्टी। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे फैकल्टी की संख्या थोड़ी सी कम होती है या उनका जो नॉलेज है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी कॉलेज एनी फैकल्टी, मैं खुद फैकल्टी हूं, मेरी बात करिए, चलिए मेरा नॉलेज बिल्कुल कम है, मैं बिल्कुल भी अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता हूं। फैकल्टी मैं हूं, मैं टीचर हूं, मेरा काम है आपको समझाना, खुद को समझना नहीं। अगर आप खुद समझ चुके हो वेल एंड गुड, लेकिन जब तक आप उस चीज को जिसे आप समझे हैं उसे सामने वाले के दिमाग में पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं कर दे वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। स्टूडेंट तीन तरीके के होते हैं, अपनी बात करूं तो स्टूडेंट तीन तरीके के होते हैं, एक होता है बिलो एवरेज, दूसरा होता है एवरेज, और तीसरे होते हैं इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं या उससे आगे का भी बोल सकते हैं। अगर मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ध्यान रख के एकदम क्या बोलना चाहिए इसको, टू द पॉइंट समझा दूं, एकदम अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझा दूं, तो ये जो बातें हैं वो दो तरह के स्टूडेंट के सिर से ऊपर निकल जाएंगे, उनको हवा ही नहीं लगेगा। अगर मैं किसी एवरेज या बिलो एवरेज के स्टूडेंट से समझा दूं तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा सोचेगा यार क्या फालतू टाइप की बकवास बातें हो रही है, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। लेकिन एक टीचर ऐसा होता है जिसको इन दोनों के लेवल को मैनेज करना होता है, न बहुत ज्यादा टफ न बहुत ज्यादा ईजी, लेकिन फोकस इस बात पर रहता है कि जिसको आता है वो तो आ ही जाएगा, उसके लिए अगर बेसिक से बता दें तो उसके लिए कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाएं तो उसका तो फायदा होगा। इस केस में देखिए क्या अंतर हो रहा है, अगर मैं एवरेज स्टूडेंट से ऊपर वाले के पढ़ा दूं इंटेलिजेंस से तो उसका एक फायदा हो रहा है, बिलो एवरेज एवरेज का कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बिलो एवरेज से पढ़ा दूं तो इससे तीनों का फायदा होगा, बोर होना है कोई सॉलिड प्रॉब्लम नहीं है इंटेलिजेंट वाले के लिए, तो ओवर इंटेलिजेंट बनना है तो वो बने, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी जगह पे है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। प्लस स्पेसिफिक फैकल्टी की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड होते हैं, जैसे केवल सेमेस्टर एग्जाम ही एग्जाम नहीं होता है, उसमें एक्सपर्ट तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम है जैसे जी पैट हुआ, नाइपर हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर हुआ, फार्मासिस्ट हुआ, इसके अदर वर्गीकरण हो गए, इनका स्पेसिफिकेशन अलग होना है। अपनी ही बात कर रहा था ना, मैं अपनी ही कमी आपको दिखाता हूं, मैं अभी सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पॉइंट को कवर कर रहा हूं, एक-एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मेरा अभी जो स्पेसिफिकेशन है वो थ्योरी है, आपका सेशनल है, जीपैट नाइपर ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है, तो अगर मैं अभी स्टार्ट करूं तो भी जस्टिफिकेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। सो आपके पास सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन फार्मेसी है, लेकिन ये सॉल्यूशन फार्मेसी आपको जीपैट का 100% सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, सो आपको अदर जगह देखना पड़ेंगे। अगर हमने थ्योरी के दे दिए पूरे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत तो है ही नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर हमने जीपैट दे दिए तो आपको यही रहना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो जब तक नहीं देते हैं तब तक तो आपको नोट्स के लिए कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी। अगला है डिक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज।
आगे के रिस्पेक्ट में बात करें, आपके मन में डर है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, अच्छे से मार्क्स नहीं लाया, 90% 95% आज तक मैंने ये भी देखे 98% तक मैंने देखा है, जिंदगी में कभी मैं 98 मैंने देखा नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन कई बच्चों को आजकल 98% मिल रहे हैं, लमसम से ज्यादा भी हो सकता है, बट मेरा देखा हुआ 98% है। सो ये क्या सोचते हैं कि परसेंट ज्यादा होगा तो हमको जॉब ज्यादा मिलेगी, नहीं तो कोई जॉब देगा नहीं, जो कि पूरी तरह से गलत था, कभी हुआ करता रहा होगा, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास पूरा क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन यहां पे नहीं है, इस गोबर में नहीं है आपके, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसको गोबर ही मानिए, अगर किसी ने आपके दिमाग को गोबर कहा नमस्ते करिए, उसको धन्यवाद बोलिए, क्योंकि अगर किसी ने आपके दिमाग को सोना चांदी हीरा मोती कह दिया तो वहां पर फसल लगेगी, बीज लगेगी ज्ञान की, तो वो उगेगा नहीं, लेकिन अगर गोबर कह दिया तो जब कभी भी मेरी बातें आपके दिमाग में पहुंचेंगी आराम से उगने लगेंगी इस पे, तो मेरा दिमाग भी फुल ऑफ गोबर है, ताकि जो भी ज्ञान की बीज यहां पर पड़ेंगे तुरंत फर्टिलाइज हो जाएंगे। आई एम सॉरी, पीछे हल्ला हो रहा है, आज मैं कट नहीं करना चाहता हूं, चलने दीजिए इसको। उसके बाद देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी का मेजर प्रॉब्लम यही है कि हमको टफ कंपटीशन पड़ेगा, तो उसके नंबर चाहिए, नंबर के लिए नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, हर जगह घूम फिर कर यारी परचेस करना पड़ेगा आपको। उसका देखिए टाइट कॉम्पिटिशन, मैंने कॉम्पिटिशन नहीं यूज किया, मैंने फाइटिंग लिखा है। कॉम्पिटिशन अगर हेल्दी हो तो कोई दिक्कत नहीं, फायदा आप ही का है, यहाँ पे फाइटिंग होती है, फाइटिंग इज नॉट गुड, कंपटीशन इज वेरी गुड, फाइटिंग इज नॉट सो गुड। यहाँ पे इंटरनल फाइटिंग भी होगी आपके क्लासमेट में, ये जेन्युइन फैक्ट है, देखा हुआ फैक्ट है, माने ना माने आपके ऊपर है। अगर मैं क्लास में 60 स्टूडेंट हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं जिसकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मेरे पास एक अच्छा नोट्स कहीं से अरेंज हो गया है या मैंने बना लिया है और उसको मैं पढ़ रहा हूं, मेरे से किसी ने डिस्कस किया कि क्या किसी के पास इस टॉपिक का नोट्स है जो कि मेरे पास है, मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, जब होगा तब ढूंढेंगे, मैं नहीं चाहता। देखिए हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन क्या है ना, मजबूरी बुरा करवा देती है। So, competition tight है तो कैसे करोगे आप, वहां पे सोचते कि नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है, जबकि मन में सोच रहा मेरे पास तो नोट्स है, मैं पढ़ूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं ज्यादा अच्छा नाम होगा, टीचर की नजरों में मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा, वो नोट्स दबके रह गया वहीं पे, ये सही नहीं है। दिस इज कॉल्ड फाइटिंग, इट इज कॉल्ड फाइटिंग, कंपटीशन नहीं है। तो इसके चक्कर में बेचारे एक नोट जो कि था, बच्चे मार सकते थे आपस में, वो नहीं मारा, वो अपने तक रह गया, तो बाकी लोगों को कहने कैसे खरीदना पड़ा होगा, घूम फिर के ये भी वहीं से खरीदेंगे जहां से इसने खरीदा होगा, तो एक ही नोट्स को खरीदने के लिए सबको पैसे लगाने पड़े, जो कि लगाया जा सकता था अच्छे कामों में, बुक परचेस करने में, लेकिन नहीं लगा, तो यहां पे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगला है फैमिली, फैमिली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फैमिली सपोर्ट करती है तो बूस्ट हो जाता है हर आदमी, और फैमिली का बैकग्राउंड अगर सही नहीं हो, मैं इमोशनली की भी बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली की बात कर रहा हूँ, कैरेक्टर वाइज बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, तो अगर कोई फैमिली इमोशनली वीक है कि अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, किसी हालत में नहीं भेजेंगे, इकलौता है यहीं पढ़े ऐसा ही पढ़े, कोई ज्यादा पास करे ना करे कोई मतलब नहीं, अल्टीमेटली उसको आकर के जॉब करना है, मेडिकल स्टोर में बैठना है, दुकान खोलना है, व्हाटएवर इट करना है, जब उसके पेरेंट्स को पहले से फीड कर दिए कि तुझे कुछ करना ही नहीं है, तो बस पढ़ ले आकर के यहीं बैठना है, तो फिर वो पढ़ेगा क्यों, उसको क्या जरूरत है किसी चीज की पढ़ने की, वो जस्ट स्टूडेंट या तो ओवरनाइट स्टूडेंट या तो फिर इस कैटेगरी में आ जाएगा, वहां फिर से उसको नोट्स खरीदने पड़ेंगे। दूसरा बेचारे कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, मैं फेस करता हूं एडमिशन इंचार्ज, हमारे यहां पूरी तरह से फैकल्टी एकदम ट्रांसपेरेंट है एडमिशन के लिए, तो वहां पर हम पढ़ाते हैं, जब बच्चों को डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एडमिशन की काउंसलिंग नहीं, स्टूडेंट टू टीचर काउंसलिंग जब करते हैं, तब पता चलता है कि फैमिली का बैकग्राउंड उतना सही नहीं है, वो जेन्युइनली बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। यहां पे पैसे की बारी आती है बड़े लमसम की, जब ये पहली स्टेज को पार नहीं कर पाएंगे तो नोट्स की बात तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। सो ऐसे बच्चे जो देखिए, ऐसे बच्चे जो एकलव्य की तरह होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास गुरु नहीं होता, तब कैसे करें, कॉलेज उनके पास आना चाहिए, कॉलेज उनके पास आना ही चाहिए, वो कॉलेज के पास नहीं जा रहे, अब कॉलेज कैसे आएगा, जैसे हम आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल वैसा ही कॉलेज आना चाहिए। हमने कोशिश करी थी कि हमारा एजुकेशन सब तक पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे। अब ये भी कई लोग कमेंट करेंगे कि सर आपके पास तो फार्माकोलॉजी ही है, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे बोलते सर बाकी टॉपिक तो नहीं है आपके पास, सब फार्माकोलॉजी है, तो धीरे धीरे देखते गए आपने फार्माकोलॉजी 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, भैया अभी खत्म नहीं हुए, हम खत्म नहीं हुए हैं ना, जब तक लाइफ है जब तक ताकत है तब तक तो बनाते रहेंगे, तो एक एक समय में एक एक सब्जेक्ट होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप भी फार्म में एडमिशन लिए और आप सोचते हो कि मेरे को कल डिग्री मिल जाए 8 सेमेस्टर की, इज इट पॉसिबल, अगर आपके साथ ये पॉसिबल है कि एडमिशन लेते ही डिग्री हाथ में आ जाए अगले ही दिन विद जेन्युइन प्रूफ, तो मैं अगले ही दिन आपको पूरे सेमेस्टर के सब्जेक्ट अपलोड करके दिखा दूंगा, इज इट पॉसिबल, नहीं ना, तो जो चीज आपके साथ पॉसिबल नहीं है वो एक आदमी के साथ कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे होगा, कोलॉजी खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों में मैक्रो खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जो सब्जेक्ट मुझे सही लगते हैं, जरूरी लगते हैं, उनको पहले खत्म करूंगा, फिर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को जहां तक पॉसिबल हो सके, सभी में तो एक्सपर्ट हो नहीं पाऊंगा। ये देखिए फैकल्टी की क्वालिटी, अब मुझसे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की उम्मीद करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप बायो के स्टूडेंट हो और आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अलजेब्रा पढ़ाओ, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाओ,
इंटीग्रेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल फॉर्मेशन पढ़ाओ, पढ़ा पाओगे? पढ़ा पाओगे नहीं। आप तो टीचर हो ना बायोलॉजी के, तो टीचर पढ़ा दो। टीचर होना अलग बात है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है। पढ़ा दूंगा, यू 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 इक्वेशन होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, समझ में आ गया क्या? नहीं, फिर वो मतलब नहीं है। सो वो टीचर नहीं बनना जो हवा में बात करे और खत्म कर दे। भैया मैं वही पढ़ाऊंगा जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैमिली हो गया। अदर प्रॉब्लम में सब कुछ आ सकते हैं, पर्सनल, फैमिलियल, पर्सनल इशू, व्हीकल इशू, जो जो इशू आ सकते हैं सबको डाल दीजिए अदर में। तो यहां पे सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक तो नहीं है, एक में से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में से एक है। ये क्या है? हमारा एक इनिशिएटिव, इसके बारे में बात करना चाहता हूं लेकिन किसी और दिन डिस्कस करूंगा। वह है इंपॉर्टेंट चीजें, क्वालिटी वीडियो हम आपको देंगे, क्वालिटी पे एंड रन करना जरूरी है। दूसरा, हम आपको मॉडल पेपर देंगे जो उस यूनिट से इंपॉर्टेंट होता है। उस मॉडल पेपर में सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होंगे भैया कि इसको पढ़ लिया पास हो जाए। हर एक टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ें। पास तो होना ही होना है, वो एक अलग मैटर। पास होने के लिए नॉलेज नहीं मिल रहा है, नॉलेज वो स्टफ होगा जिसका यूज आने वाले समय में आप हर जगह यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके आंसर्स मिलेंगे। ये जो मॉडल पेपर है इसका आंसर कोई अगर देगा तो वह है आप। हम क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं हर यूनिट के बाद, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट के हर एक यूनिट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, लिंक में भी अवेलेबल है, फेसबुक में भी अवेलेबल है। सो मान लीजिए मैंने माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट खत्म करा, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया, आपको लिए अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर लिए, उसके कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा दिया ताकि बच्चे हेल्दी एनवायरमेंट में आ सकें। क्योंकि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ऐसा मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ ही गया है, इसके ऊपर अच्छे से नोट बना करके दीजिए। तो पूरे इंडिया में से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ देखने वाले ज्यादा है, सपोर्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन तक नहीं किया हमारे मेंबरशिप को। तो उनमें से कुछ बच्चे 10 ही मान लेते हैं, पूरे इंडिया से 10 लोगों ने भी अगर नोट जमा करे तो 10 में से 2 सबसे अच्छे, 3 सबसे अच्छे, अगर 10 के 10 अच्छा तो बहुत अच्छी बात। जो अच्छे नोट्स होंगे उनको हम प्राइज दे देंगे, उनकी पसंद की जो लिमिटेड बुक होगी उनमें से दे देंगे हम उनको, उनके नोट्स अपलोड कर देंगे, सबको मिल जाएगा। प्लस उनके साथ उन सबके नोट्स भी अपलोड करेंगे जो थोड़ा बहुत एकदम ज्यादा खराब, उनको छोड़ करके जो 10 में से अगर 2 हमने टॉप निकाल दिए, बचे 8, तो 8 के नोट को भी डाल देंगे। तो एक यूनिट के आपके पास कम से कम 10 नोट्स होंगे, 10 टाइके के नोट्स होंगे, 10 में से छांट लीजिए कि जो आपके लिए कौन सा अच्छा लग रहा उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, सबको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे वो आप पढ़ लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपके आंसर हैं वो अब के बदले आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप बताओगे कि मुझे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है, सॉल्यूशन फार्मेसी की तरफ से एक बुक मिला है। बुक की कीमत मैटर नहीं करती है, इनाम मैटर करता है। जब मैं स्कूल में था, 5वीं क्लास से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था किसी किसी प्रोग्राम में, हमारे इस टाइम में शुरू में हमको गिलास मिलते थे, टिफिन मिलते थे, कटोरी मिलते थे, ये हमको प्राइज में मिलते थे। आज भी वो गिलास, वो कटोरी, वो टिफिन, वो चम्मच हर एक सेफ तरीके से रखा है, और उसकी खुशी इतनी थी कि हर दिन देखता था मुझे ग्लास मिला, मुझे टिफिन मिला, मुझे कटोरी मिली। वो खुशी बहुत कीमती है। वो ग्लास कटोरी 50 रुपए से कम का ही होगा, वो मैटर नहीं करेगी, लेकिन मैटर करता है वो है आपका मोटिवेशनल रिवार्ड। आप मोटिवेट होंगे, आपको देख करके दूसरे मोटिवेट होंगे, सब तरफ से मोटिवेट होते जाएंगे तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए नोट्स। तो आपके जो नोट्स मिलेंगे वो हम सब तक सर्कुलेट करेंगे। ये सारे नोट्स इकट्ठे नहीं मिल पाएंगे, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा वैसे पहुंचते जाएंगे। तो फर्स्ट बैच हमेशा सफर करता है, उसके बाद आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए पूरे नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको धीरे से थ्योरी नोट्स तो मिल ही रहे हैं, जीपेट के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने कहा, स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, और फाइनली फ्री एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। मैं अभी भी इस चीज को कह रहा हूं, ये मेरा सपना है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं है। सपने पूरे होते भी हैं और सपने टूट के रह भी जाते हैं। सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं पर्सनली मेहनत से जी नहीं चुराता हूं। मैं हर एक चीज साइड में रख सकता हूं लेकिन अपने एम को कभी भी साइड में नहीं रख सकता, जब तक कि विकट परिस्थिति जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है वो नहीं आ जाए। जिनमें से कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस थोड़ा सा स्प्रिट ब्रेकर के रूप में आ सकता है, लेकिन फुल स्टॉप कभी नहीं लगेगा। ओवरऑल ये है कि आपको कहीं से भी परचेस करने की आवश्यकता ना पड़े, ये मेरी कोशिश है। इसके लिए थोड़ा सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है, पार्टिसिपेट करिएगा जब कभी भी फ्यूचर में हम इस तरह के कॉम्पिटिशन लॉन्च करेंगे। नोट्स आपके बनने चाहिए अच्छे ताकि हम सब तक सर्कुलेट कर सकें। प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए आपको एक सिंगल पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगर आप चाहें, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप चाहते हैं हमारे इस गुड कॉज में तो मेंबरशिप कोटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी क्लियर रहे, कितने मेंबर, कितने पैसे, कितना बुक, कितना खर्चा, हर एक चीज आपको जानकारी रख सके। और केवल अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन कुछ नहीं उसके अलावा, डोनेट कर दीजिए बस, आपको भूल जाइए, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी solutionpharmacy@gmail.com पे। लेकिन मेरा कोशिश यही है कि कम से कम सपोर्ट लेना पड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ही की मेहनत आप ही तक डबल मल्टीप्लिकेशन होकर पहुंच जाए। तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।